रोहतक डेरा गोकर्ण के हरियाणा के 5 आश्रमों के प्रमुख रहे बाबा मच्छिंद्रपुरी को मंगलवार को गोहाना स्थित आश्रम में भू समाधि दी गई। बाबा मच्छिंद्रपुरी को भू समाधि देने के लिए सैकड़ों संत व श्रद्धालु मौजूद रहे। बाबा की भू समाधि के बाद संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया। बाबा मच्छिंद्रपुरी का रविवार को हिसार में आकस्मिक निधन हो गया था। संत परंपरा का निर्वाह करते हुए उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा बल्कि गोकर्ण डेरे गोहाना के आश्रम के परिसर में भू समाधि दी गई। श्रद्धालु और कई संत बाबा मच्छिंद्रपुरी के आखिरी दर्शन कर सके इसलिए भू समाधि मंगलवार को देने का फैसला किया गया था। भू समाधि जूना अखाड़े के देश भर से पहुंचे संतों की उपस्थिति में दी गई। सोमवार को संतों के सानिध्य में गोहाना में बाबा मच्छिंद्रपुरी के शव के साथ यात्रा निकाली गई थी। संत परंपरा के अनुसार 6 दिसंबर 2021 को बाबा मच्छिंद्रपुरी की षोडशी मनाई जाएगी। भू समाधि पर उज्जैन से जूना अखाड़ा के गादीपति सुंदरपुरी महाराज, हरिद्वार से श्रीमंत हरिगिर महाराज, प्रेमगिरी महाराज, महेशपुरी महाराज, उमा शंकर भारती, महंत कपिलपुरी, महंत कमलपुरी और महंत कर्णपुरी के अलावा श्रद्धालुओं में रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल और डिप्टी मेयर राजकमल सहगल, भाजपा जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा, अरुण बड़ोक, सेवक राजू बाबा, जस्सी खुराना, सुनील मल्होत्रा, सचिन कपूर आदि मौजूद रहे। आगे गौरव। हाँ जी, हाँ जी।